तो दोस्तों ये देखिए ताज़ा ताज़ा दूध काट देखिए आप। और दोनों पड़ जाएंगे ये पनीर। तो दोस्तों भैया बता रहे हैं बहुत बड़ा होता है साइज में और पूंछ भी बड़ी लंबी होती है उसकी। क्या है यहाँ पे वो देखो इधर देखो क्या है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो कल हम पहुँच गए थे क्वींस ऑर्गेनिक फार्म्स पर, तो कंटिन्यू करते हैं कल का व्लॉग। तो आज रुकेंगे यहाँ पे, इस जगह का नाम है क्वींस ऑर्गेनिक फार्म्स और यहाँ पे नीचे पॉली हाउस फार्म हाउस सब कुछ है। तो आज हम यहीं पर स्टे करेंगे। देखिए ये गेट से अंदर जाते हैं। चलिए अभी अंदर जाते हैं और फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये है चारपाई लगी है। तो दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ से कैसा दिखाई देता है ऊपर से व्यू। और बहुत ही खूबसूरत है, पूरा दिखाई दे रहा है। और इधर से हैं ये सीढ़ीनुमा खेत जो इसकी खूबसूरती को और ही बढ़ा देते हैं। और किसी किसी पहाड़ पे देखिए आप धूप पड़ रही है, कहीं पे शेडो है तो वो अलग ही विजिबल हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे खड़े होके। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इन्होंने छोटा सा किचन है, बढ़िया सा मस्त सा, अपना यहीं पे खाना बन जाता है। और ये है हमारा कमरा और यहाँ पे हम रहेंगे इस वाले रूम में। ये देखिए पानी की बोतल। तो देखिए दोस्तों भार्गव को नया घर मिल गया है और वो अभी ही रहेगा। ये देखिए उसका नया घर। तो दोस्तों देखिए ये है शाम का व्यू, बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है। और आसपास गांव हैं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ से दूर दूर तक। तो ये जो है छोटा सा गांव है ये, लेकिन यहाँ भी घर दूर दूर हैं, ये थोड़ा अकेले में ही है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा गार्ड। चुछु नहीं आती, चुछु नहीं आती, अभी अभी नहीं आती। छोटू है अपना, देखिए कैसे आगे आगे जा रहा है दोस्तों, रास्ता बता रहा है। हम थोड़ा गाड़ी तक जा रहे थे अपनी, तो पैर देखना है वहाँ कहाँ जा रहा है, यहाँ से बोला वहाँ कहाँ जाना है, कर लो कर लो कर ली, वीडियो बना ली। इसकी क्या फोटी आ गई से, चलो आ जाओ मान्य बस, इधर आओ जल्दी आओ। पेड़ पीपल का है, ये है विशाल पीपल का पेड़। और यहाँ किसी ने हनुमान जी की मूर्ति रखी है। तो दोस्तों वापस जा रहे हैं हम और अब हो गया है दूध निकालने का टाइम। तो भैया के साथ जाएंगे दोस्त दूध निकालने। नहीं आज बार का दूध निकालेगा गाय का, मारती है गाय ये वाली, कोई कोई तो हाथ नहीं लगाने देती। कोई बात नहीं, कितने महीने के हैं? ये होगा 4-5 महीने का। ये छोटे वाला ये और वो तो बड़ा है, 1.5 साल का। खाओगे दूध? देखो देखो भार्गव देख तो लो। अच्छा एक पहाड़ी गाय कम देती है दूध, है ना? ये कम ही देती है, जर्सी गाय होती है ना जैसे बड़ी, वो तो बहुत देती है, समझता नहीं है। भर के देती है पर उनके उन दूधों पे के दूध पे इतना स्वाद नहीं होता, इसमें स्वाद नहीं है, इसका अच्छा भी होता है, गाय का दूध ठीक होता है, पहाड़ी गाय है ना। अच्छा सुबह भी देती है 1 किलो? 1 किलो शाम को दे देगी, 1.5 किलो तो बहुत हो जाता है। आपको तो क्या करना है ना, कुछ हम मलाई निकालते हैं उसकी, हाँ कुछ मैम लोगों के लिए बचाते हैं, कुछ घी निकल जाता है। अच्छा
बेचने तो बेचने के लायक तो है ही नहीं, है ना? बेचते भी है, बेचते भी हैं जब ज्यादा होता है। हाँ, जब कोई रह जाता है ना आधा देके तो दे देते हैं। अच्छा, एक ही टाइम में बस। तो दोस्तों ये देखिए ताज़ा ताज़ा दूध गाय का यहाँ बाल्टी में निकल के आ गया है। देखिए फ्रेश मिल्क आज भार्गव पिएगा, पियोगे? देख तो लो कैसा है फ्रेश मिल्क, मैं इसको दिखा रही हूँ। थैंक यू कहो गाय को, हमें थैंक यू कहना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए। वो देखो अपने बेबी को दूध पिला रही है। हाँ, बाग लगा हुआ है। हाँ, तेंदुआ। हाँ, तेंदुआ ना। हाँ, तो वो कह रहा है कि वो जो चौकीदार है वो कह रहा है कि वो उसकी गाय जो उसके बिल्कुल घर के सामने ही जो थी, उसकी गाय जो थी वो चल रही थी और पीछे से शेर, ये बाघ जो तेंदुआ लेपर्ड है जो आया और उसके गाय को उठा के ले गया, मतलब मार दिया। तो लोग शोर मचाते रहे पर वो डरा नहीं और वो अपना खाता रहा और खा के जब उसका पेट भर गया तब छोड़ के गया। तो अभी वो जब किस्सा सुना रहे थे तो उनका लड़का है 17-18 साल का, तो कहने लगा पापा चलो अब शेर आने का टाइम हो गया, और फिर वो फटाफट साइकिल चला रहा था। हाँ, साइकिल हाँ, देख करके वहाँ पे पड़ोसी के यहाँ पे। हाँ, और वो दोनों बाप बेटा जो है चले गए जल्दी जल्दी, 5:30-6 बजे तक उठ जाते। तो दोस्तों बाहर हो गया घना अंधेरा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि सभी लोग बता रहे हैं, भैया बता रहा है कि बाघ लगा हुआ है। तो हम भी अंदर चले जाएंगे अब, क्योंकि ख़तरा तो है। भार्गव तो बहुत ज़्यादा डर गया, बोला मैं दोबारा नहीं आऊँगा यहाँ पे। तो बोला अभी तक 3 कुत्ते और 1-2 गाय भी उसने ले गया अपना शिकार बना के, तो बेटर यही होगा कि अभी, और भैया बता रहे हैं यही नीचे घूमता है, तो टॉर्च वॉर्च निकाल लिया इन्होंने रात के लिए। तो बता रहे हैं कि एक जगह बैठा रहता है और सुबह से दिन भर से ताकता रहता है और फिर बाद में अटैक कर देता है किसी भी जानवर। तो जो यहाँ पे हमारे साथ आ रही हूँ। तो दोस्तों जो हमारे साथ यहाँ पे एक डॉग था उसे तो हमने अंदर बंद करवा दिया, भैया ने बंद कर दिया उसे रूम में। कहाँ जा रहे हो? अरे आओ तो। मेरे हस्बैंड पता नहीं। भार्गव मत जाओ, भार्गव भार्गव ये रोको, ये वो इधर तो देखो। अरे यहाँ क्या है? यहाँ पे वो देखो, इधर देखो क्या है। ऊपर से कभी भी आ सकता है। ऊपर देखिए दोस्तों घना अंधेरा हो गया, तो बेटर है अंदर चलो यार, अंदर अंदर चलो यार, कहो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। तो दोस्तों भैया बता रहे हैं बहुत बड़ा होता है साइज में और पूंछ भी बड़ी लंबी होती है उसकी, तो हम सब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि सड़क पे गए थे तो लोगों ने कहा आप शाम हो गई अपने घर जाइए। नीचे जब मैं उस पर गई थी पॉली हाउस में तो उन्होंने भी कहा था जल्दी जल्दी देख लो और फिर घर चले जाओ। तो चारों तरफ से सब बस अब डर ही लग रहा है। टॉर्च से देख लो भार्गव, तुम कहीं दिखाई दे दो। भार्गव तो बहुत ही ज़्यादा डर गया। पार लो मटर उबल गया है और ये पनीर की तैयारी है ना। इसमें क्या उबालने रखा हुआ भैया? आलू रखा था मैंने। अच्छा अच्छा, आलू बैंगन हो जाएगा। ठीक, खिड़कियाँ लॉक हैं? चेक कर लो भाई, वो भी नहीं है, जंगले नहीं, जंगले तो लगे हैं। जंगले नहीं है। और ये देखिए सब बंद है, सब कुछ चेक कर लिया है मैंने, दरवाज़ा बंद। मैं तैयार है तो मैं जा रही हूँ अब खाना खाने। चलिए आप भी चलिए। तो ये है पनीर, बैंगन आलू की सब्ज़ी है, और वो है सलाद, उसमें रोटी है, क्या सलाद है, बढ़िया।
यहाँ से भी आ सकते, खिड़की से थोड़ी देखेगा। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।